उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 10 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी गई, जबकि परिवार के मुखिया का शव फंदे से लटका मिला। मामला अमेठी के महुना गांव का है। बताया जा रहा है कि परिवार के 10 लोगों की बेरहमी से गला रेत कर हत्या की गई। मृतकों में 6 मासूम बच्चे भी शामिल है। वही परिवार के मुखिया जमालुद्दीन का शव फंदे से लटका मिला। आशंका जताई जा रही है कि परिवार के मुखिया ने ही पहले सभी को नशीला पदार्थ खिलाया और फिर धारदार हथियार से उनकी हत्या कर खुदकुशी कर ली। वहीं पुलिस ने मौके से जमालुद्दीन की पत्नी और बेटी को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां दोनों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि जमालुद्दीन बैटरी का काम करता था। फिलहाल शुरुआती जाँच में उसकी किसी से भी कोई रंजिश होने की बात सामने नहीं आ रही है। वहीं पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेते हुए उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। फिलहाल जमालुद्दीन की पत्नी और बेटी के होश में आने के बाद ही हत्याकांड की वजह का पता चल पाएगा, लेकिन इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। देखते रहिए डीबी लाइव।